पढ़ाई करते हो बच्चों। तो लास्ट वी स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जी ने कुछ बातें बताई थी, उनको हमें रिमेंबर रखना है कि मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल उनको एटम कहते हैं, जिनको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, इंडिविजुअल होते हैं, इन डेस्ट्रक्टिबल होती है। डाल्टन के अकॉर्डिंग यही वो पार्टिकल जो रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कहते हैं। सेम एलिमेंट के एटम्स डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सेम, और डिफरेंट के क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डाल्टन के अकॉर्डिंग जो एटम कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड एटम, जिन्हें आजकल हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। और कंपाउंड एटम में एटम किस में प्रेजेंट होते हैं, सिंपल रेशियो में। ये हर बार सही नहीं होगा, पर डाल्टन कहते हैं तो उसका ध्यान रखना है। और क्या डाल्टन ने बताया था कि सेम एटम कई प्रकार के कंपाउंड एटम बना सकता है, ये भी डाल्टन जी ने हमें बताया था। क्लियर है सब बातें लिमिटेशंस में? और ये फोर लॉ वेरीफाई करते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं डाल्टन की, कि कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे गैस लॉ गे लुसाक का नहीं कर पाए, ये एटम एंड कंपाउंड एटम में डिफरेंस नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाए कि एटम बाई कंबाइन होते हैं तो फॉर्म कंपाउंड एटम, ये भी नहीं बता पाए कि एटम कंपाउंड एटम कैसे बनाता है, और बनाता है तो एटम के बीच में कौन से बाइंडिंग फोर्स होते हैं। अब इसी को थोड़ा सा मॉडर्न फॉर्म में लेके आते हैं, आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि सर इसी के पॉइंट लिखवा रहे हैं, तो जो पर वो पॉइंट थोड़े से और जानकारी देंगे। और वो थ्योरी कौन सी थ्योरी कहलाती है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी अगर आपको डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी याद है। खाली हेडिंग मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, अब एक कोई एक ऐसी थ्योरी नहीं है जिसे किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने दिया हो, क्या है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, अभी आप आगे पढ़ने वाले हो, पूरा रदरफोर्ड को पढ़ने वाले हो, थॉमसन को पढ़ने वाले हो, नील बोर को पढ़ने वाले हो आप, और भी इसके अलावा प्लैंक्स हैं, आइंस्टीन हैं, गोल्डस्टीन हैं, चैडविक हैं, रिडबर्ग हैं, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, तो सभी साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ बताया है। तो उनकी जितनी भी अच्छी बातें हैं उन सभी अच्छी अच्छी बातों को सिलेक्ट करके यहाँ रख दिया गया, तो उन सभी बातों से मिलके जो थ्योरी बनी उसको हम क्या कह देते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो लिखिए गिवेन बाई, अब कोई एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट नहीं है, है ना, तो कुछ साइंटिस्ट के नाम जो सबसे ज़्यादा हैं वो लिख देते हैं, गिवेन बाई, एक तो हैं आपके जे जे थॉमसन, जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन की, याद है, इनको सर जे जे थॉमसन बोल दो अच्छा लगता है। साइंटिस्ट के नाम बच्चों हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया करो, चाहे उनका मेन नेम हो चाहे सर नेम हो, सर जे जे थॉमसन। रदरफोर्ड, आप जानते हो प्रोटॉन का नाम, प्रोटॉन किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की थी और रदरफोर्ड। और एक साइंटिस्ट को बच्चों आप लोग अभी जानते नहीं हो, आगे जाके पढ़ोगे, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बहुत ही शानदार साइंटिस्ट हैं बोहर साहब, बोहर, वो एटम की डेफिनेशन, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बोहर्स की थ्योरी पढ़ोगे आप अभी, नील्स बोर की बहुत बढ़िया थ्योरी है और वो आपको बताएंगे सब कुछ एटम के बारे में। तो एक और साइंटिस्ट हैं बहुत अच्छे हमारे, नील बोर, नील्स बोर, तो ये जो हमारी थ्योरी है मोस्टली इन तीन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है ना, एंड लिख लो, जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड नील्स बोर।
अब इसके सम इम्पॉर्टेंट क्या देख ले, पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉजिटिव लेट्स, पॉजिटिव लेट्स को ही क्या बोलते हैं हम, पॉइंट्स, है ना। तो देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट, ये लाइन बच्चों आप लोग खुद लिख लिया करो जैसे ही आपको अच्छी लगे, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आप लिख सकते हो पॉजिटिव लिस्ट, पॉजिटिव लिस्ट, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोविंग, आर एज फॉलोविंग्स, इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोविंग्स, किस प्रकार है, इस प्रकार है। पहला पॉइंट, डाल्टन साहब क्या कहते हैं, एटम इज इनडिविजिबल, और डाल्टन साहब एटम को ही क्या मानते हैं, सबसे छोटा पार्टिकल, लेकिन सच्चाई बच्चों ये है कि एटम इज फर्दर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, और इन स्मॉल पार्टिकल को कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल जिनसे एटम भी मिलके बना है, तो उनमें से एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, हमने न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा बनाया है जिसमें आपको हम और समझा सके, और दो पार्टिकल हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में। तो एटम फर्दर कितने पार्टिकल से मिलके बना है बताओ जल्दी, थ्री, और इन्हीं थ्री पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम या सब एटॉमिक, फंडामेंटल पार्टिकल क्या कहलाते हैं, जैसे इस घर का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, ब्रिक, अगर वो ब्रिक नहीं होती तो एक घर नहीं होता, तो अगर ये इनमें से ये तीन चीज़ें निकल गएगी तो एटम ही ख़त्म, तो ये है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, या हम कह सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम भी जिनसे मिलके बना है उसको हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो लिखिए इसका पहला पॉइंट, एटम एटम इज फर्दर, एटम इज फर्दर मेड अप ऑफ थ्री सब एटॉमिक थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिखना इन पार्टिकल के नाम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटम इज फर्दर मेड अप ऑफ थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और वो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन था, एटम, एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो स्मॉल नहीं है सबसे, क्योंकि उससे स्मॉल भी कुछ पार्टिकल है। तो एटम इज फर्दर मेड अप ऑफ थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर कॉल्ड, फर्दर का मतलब होता है और आगे,
है ना, और आगे फर्दर कहते हैं ना कि फर्दर और ये हम कर सकते हैं, इसके आगे और आगे। अब देखो एक ही चीज़ के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कई सेंस निकलते हैं। यहाँ इसका सेंस है एटम इज फर्दर, एटम आगे और मिलकर बना होता है, किससे, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल, और वो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ये इसका स्ट्रक्चर बनाया, अभी तक नहीं बनाया, हमें लगा तुम लोगों ने अपने मन से बना लिया होगा, समझाया तो है लेकिन भविष्य में भूलेगा भी तो। हाँ ये न्यूक्लियस है, देखो हम बता देते हैं, दिस इज न्यूक्लियस। तो आपसे कोई पूछे प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, और जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसको क्या बोलते हैं, पता है किसी को, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ये अभी आगे पढ़ेंगे इसलिए हमने ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट, याद करते चलना, तुरंत पूछेंगे हम जैसे ही खत्म होगा पॉइंट। अच्छा डाल्टन्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता था, एटम। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो एटम ही करता है, लेकिन एटम का न्यूट्रॉन नहीं करता पार्टिसिपेट, एटम का प्रोटॉन नहीं करता पार्टिसिपेट, एटम का कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन। तो डाल्टन साहब गलत नहीं थे, उन्होंने कहा एटम पार्टिसिपेट करता, वो सही थे, लेकिन हमने और अंदर बता दिया कि एटम के अंदर भी कौन है जो पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन। तो आप जितनी भी रिएक्शन देखोगे, जितने भी बॉन्ड बनते हैं या बॉन्ड ब्रेक होते हैं, सब वो किसके कारण होते हैं, इलेक्ट्रॉन। लिखिए इलेक्ट्रॉन is the smallest particle, लड़ना नहीं बच्चों, कोई कहे कि नहीं एटम, कहियो भैया तुम सही हो, तुम रह तो पृथ्वी में, हम तुमसे गलत नहीं कह रहे, पृथ्वी में रह तुम, लेकिन हम और करीब बता रहे कि पृथ्वी में भी तुम कहाँ रहते हो, भारत में, भारत में भी तुम मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी तुम पन्ना में, पन्ना में भी तुम एक कुलिया में, ऐसे बता देना है। तो वो गलत नहीं है, लड़ना नहीं है अपन को कि नहीं तुम कैसे हो, हम तो इलेक्ट्रॉन, नहीं अत्यास बेटा तुम सही हो, तुम एटम सही कह रहे हैं, लेकिन हम और करीब का बता रहे हैं कि एटम में भी वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ लिख गया, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अरे वाह आगे तक की लैंग्वेज, अरे ये तो गच, ऐसे ही तो लॉजिक चाहिए, दे टेक पार्ट इन केमिकल देखो क्या होता है, जब हमें चीज़ें समझ में आती है तो हमारे अंदर से अपने आप लैंग्वेज निकलती है। अब एक चीज और कही थी उनने, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसके लिए दो पॉइंट लिखवाएंगे हम, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इसको दो पॉइंट हम बताएंगे जिससे पॉइंट थोड़ा सा हिल जाएगा, डगमगा जाएगा। पहली बात तो ये है कि एक एटम को आप डिस्ट्रॉय करके उससे दूसरा एटम बना सकते हो, जैसे आप नाइट्रोजन को ख़त्म करके उससे कार्बन बना सकते हो, और कार्बन में कुछ ऐड करके आप नाइट्रोजन बना सकते हो, लेकिन ये आसान नहीं है, ये नेचर में कहीं नहीं होता, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, ये होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, ये बहुत ही टिपिकल रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, और इन रिएक्शंस में इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि एक्सप्लोजन भी हो सकता है, विस्फोट भी हो सकता है, लेकिन होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो नेचर में सिर्फ कितने एलिमेंट पाए जाते हैं,
तो ये हमारे 118 तक कैसे पहुंचते, बाकी बचे हुए एलिमेंट कहाँ से आए, यहीं से। एक्चुअली में 118 की जगह है, अभी पाई कितने जाते हैं, 115। जैसे कलर तो 7 ही होते हैं नेचुरल, लेकिन टोटल कलर तो 7 नहीं है, इन्हीं कलर को अलग अलग क्वांटिटी में मिला के नए नए रंग बनाए गए। तो अगर नया एटम नहीं बनता होता तो 92 एलिमेंट के 92 ही रह जाते ना, इन 92 से 115 कैसे हो गए, इन्हीं 92 एलिमेंट से आपके क्या बनाए गए हैं, नए एलिमेंट बनाए गए हैं डेरिवेटिव टाइप के। तो हम ये कह सकते हैं ना, एटम को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है, वो उस समय उन्होंने सही कहा था। तो एक तो ये पॉइंट होता है जो थोड़ा सा हिला देता है कि एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉन डिस्ट्रॉय, तो एटम क्रिएट होता है, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट और है जो उन्होंने कहा था, एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉन डिस्ट्रॉय, हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा था, उसमें एक साइंटिस्ट आते हैं आइंस्टीन, वो कहते थे कि तुम कहते हो एटम मतलब मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो उन्होंने कहा कि बताओ जो लकड़ी जलती है तो उसकी जो ऐश बचती है, राख बचती है, उसका वजन लकड़ी के बराबर क्यों नहीं आता, क्योंकि कुछ मास कहाँ चला जाता है, एनर्जी में, मतलब मास थोड़ा बहुत नष्ट हो सकता है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आपका लॉ सही है, लेकिन इसको ऐसे देना कि मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास, और किसी सिस्टम का टोटल मास एंड एनर्जी कैसा आएगा, बराबर आएगा, मतलब इस तरफ की मास और मास एंड एनर्जी देखोगे आप और उस तरफ की मास एंड एनर्जी देखोगे तो उसका सम क्या आएगा, बराबर आएगा। तो थोड़े से करेक्शन हो रहे हैं पॉइंट में, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर थर्ड, मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ एनर्जी को मास में ऐसे कर सकते हैं कि सनलाइट से फोटोसिंथेसिस हो रहा है और उससे क्या बन रहे हैं, फ्रूट बन रहे हैं, वेजिटेबल्स बन रहे हैं, तो कन्वर्ट हो रहा है ना। किसका नहीं, तो वहाँ से एक मास खत्म हो रहा है और उसका एक दूसरा मास जनरेट हो रहा है, लेकिन वो बराबर जनरेट नहीं हो रहा, तो कुछ मास कहाँ जा रहा है, एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है। तो मास एंड एनर्जी आर इंटर, ये आइंस्टीन का सेंटेंस लिखवा दिया हमने, हमने क्या कहा था कि मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास, मतलब मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, बट टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेंस कॉन्स्टेंट, है ना, फिक्स्ड कॉन्स्टेंट, वही हमने लिखवा दिया, लेकिन उतना बड़ा नहीं लिखवा रहे, आप चाहो तो पूरा लिख लेना, क्योंकि इस थ्योरी में हमने इसको छोटा करके लिखवा दिया। और इसको कौन से चीज़ से हम प्रूव कर सकते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन इक्वल स्क्वायर, है ना, नोट कर लीजिए, दिस इज आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन लिख लो या आइंस्टाइन भी कहीं जगह लिखा मिल सकता है आपको, जैसे होता है ना कई लोग ऋषि कैसे लिखते हैं, RISHI, कई लोग ऋषि कैसे लिखते हैं, HRISHI,
एच साइलेंट होता है, जैसे ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन किससे स्टार्ट होता है? एच से। लेकिन कोई लोग डायरेक्ट आर से ले। अब नॉलेज, नॉलेज किससे स्टार्ट? अब पढ़ते हम कहाँ से? एन से, के साइलेंट। सुनामी कहाँ से पढ़ते हो? एस से। चालू कहाँ से होती है? ऐसे कुछ पढ़ साइलेंट होते हैं। विजेता, कई लोग बी से लिखते हैं, कई लोग भी से लिखते हैं, तो वही हो जाता है। आइंस्टीन पढ़ते हैं कुछ लोग आइंस्टाइन पढ़ते हैं। यहाँ ई क्या है? एनर्जी है ना, ई इक्वल एनर्जी है। एम क्या है? मास। और सी तो आपको पता ही होगा, वेलोसिटी है ना, लाइट की वेलोसिटी, जो कि कितनी होती है? 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। 500,000 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, पूरा वही तो लिखवाया है। सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। हमने बताया ना कि सभी अच्छे अच्छे पॉइंट उठा लिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट। मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। हो गया। अब अगला पॉइंट देखो, मतलब वो कह रहे थे कि एटम को नष्ट नहीं कर सकते, तो सही बात है, एटम नष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वो किस में जा सकता है? मास से एनर्जी में, एनर्जी से मास में। एक चीज़ और देखो जो उनके अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए थी, मतलब एटम क्रिएट नहीं होने चाहिए थे, और देखो हम नया एटम क्रिएट कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, मतलब ये क्रिएट कोई और कर रहा है, हम तो आपको समझा रहे। देखिए, एटम ऑफ वन एलिमेंट, एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन कन्वर्ट एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन कन्वर्ट कैन कन्वर्ट कैन कन्वर्ट into atom of another element, another element। लेकिन ऐसे नहीं होगा, ये बहुत टिपिकल रिएक्शन होती है वो, और उनका नाम है बाई न्यूक्लियर रिएक्शन। तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग तो एटम क्रिएट नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ एटम क्रिएट होने वाला है। तो डाल्टन्स की कुछ लिमिटेशंस थी जो आप किसमें दूर कर रहे हो? इसमें दूर कर रहे हो। एक एलिमेंट के एटम को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? दूसरे एलिमेंट के एटम में। जैसे कि रेडियम एक नेचुरल एलिमेंट है, मतलब ये कहाँ पाया जाता है? नेचर में। नेचुरल एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर होता है, पता है किसी को इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है रेडियम का? निकाल ले थोड़ा सा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। इसका होता है 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। तो इसका 3 होता तो इसका 4, इसका 11 तो इसका 12, इसका 19 तो इसका 20, इसका 37 तो इसका 38, इसका 55 तो इसका 56, इसका 87 तो इसका 88। आप लोग को याद है नंबर? नहीं है? कंठस्थ हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। रेडियम एक नेचुरल एलिमेंट है, इसको
न्यूक्लियर डिके करा देते हैं इसका, डिके मतलब होता है तोड़ना, न्यूक्लियर डिके, न्यूक्लियर रिएक्शन करा देते, तो ये टूट जाता है और टूट के बनाता है एक गैस, इस गैस का नाम है रेडॉन। इस गैस का नाम क्या है? रेडॉन। रेडॉन प्रकृति में कहीं नहीं पाई जाती, पता है आपको? आर्टिफिशियल गैस है, इसका यूज कैंसर ट्रीटमेंट में होता है रेडॉन का। तो रेडियम तो नेचुरल एलिमेंट है और रेडियम से क्या बना गया है? रेडॉन। तो रेडॉन कौन सा एलिमेंट है? आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ? मैन मेड, मतलब मनुष्य ने इसे बनाया है आर्टिफिशियल। पर डाल्टन के अकॉर्डिंग तो ये नहीं होना चाहिए था ना, नहीं होना चाहिए था। अब ये एक चीज बताओ, यहाँ एक एटम नष्ट हुआ है और दूसरा एटम बना है, तो डाल्टन क्या कहते हैं? एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। और यहाँ तो एटम क्रिएट भी हुआ है और एक दूसरा वाला डिस्ट्रॉय भी हुआ है। अच्छा, रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 86। और इस साइड कितना था? 88। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना इस साइड नष्ट होगा उतना ही उस साइड क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। तो इसके साथ एक चीज़ और बनती है, वो है हीलियम। बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का? 2। हो गया 86 और 2 कितना? 88। तो बताओ, एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन ये बात तो गलत हो गई। एटम क्रिएट हुआ है और ए वाला डिस्ट्रॉय है, लेकिन एक बात सही है, मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। सम ऑफ मास मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास इस तरफ नष्ट हुआ है उतना ही मास उस तरफ होना है। तो दिस इज करेक्ट। थोड़ा थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है। डाल्टन कहते थे नहीं, एटम नहीं क्रिएट होते, क्रिएट हुआ ये एलिमेंट अगर होती दुनिया में होता ही नहीं, अगर क्रिएट नहीं होता, मतलब क्रिएट हुआ है, है, और जब ये क्रिएट हुआ तो ये वाला नष्ट हुआ है। देखो एग्जाम्पल, एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन कन्वर्ट इनटू एटम ऑफ एनदर एलिमेंट, लेकिन कौन सी रिएक्शन के द्वारा? बहुत कठिन रिएक्शन से होती है, टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन। तो रेडियम कौन सा एलिमेंट है? नेचुरल। और रेडॉन आर्टिफिशियल, ध्यान रखिएगा। चार पॉइंट, एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट रिएक्शन, मास एंड एनर्जी न्यूटन का आइंस्टीन का इक्वेशन है जिसको इस थ्योरी में लाए गए हैं, और दूसरा एक और एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। डाल्टन थ्योरी याद है तो उसी को करेक्ट करते जा रहे हैं अपन, लिख गया। अब अगला पॉइंट बताओ, वो क्या कहते थे कि सेम एलिमेंट के एटम हर रेस्पेक्ट में क्या होने चाहिए? सेम। और यहाँ पर वो चीज गलत साबित होने वाली है, लिखिए। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग सेम एलिमेंट के एटम कैसे होने चाहिए थे? सेम, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट H2 हाँ होते तो है, वही तो सेम नहीं होते, मतलब वो बात गलत साबित कर रहे हैं ना हम। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट सेम, इसको ऐसे नहीं लिखते क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, हम ये कह रहे हैं कि हमेशा के लिए, लेकिन ये चीज़ कभी कभी होगी ना, तो कभी कभी के साथ। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में ऑल्सो डिफर अलग, में ऑल्सो डिफर इन सम रेस्पेक्ट, उनके अकॉर्डिंग हर रेस्पेक्ट में क्या कैसे होने चाहिए थे? सेम। और इनके अकॉर्डिंग कुछ रेस्पेक्ट में सेम नहीं हो सकते हैं, इन सम रेस्पेक्ट लाइक इन मास,
कैसे समझो बच्चों।